हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। सर्दियों का मौसम है और मेथी के पत्ते बहुत ही अच्छे वाले मिलते हैं और इनको खाने का भी मज़ा सर्दियों में ही आता है। और तो मैं लेकर आ गई हूँ एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी कह लीजिए या एक स्नैक्स की रेसिपी कह लीजिए, टिफ़िन की रेसिपी कह लीजिए, किटी पार्टी की रेसिपी कर लीजिए, बट सभी में ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए ही। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे फ्रेश मेथी के पत्ते, अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी हमें इसके बारीक टुकड़े कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बारीक टुकड़े कट कर लिए हैं। और अभी मैं इसमें कुछ इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मोटा मोटा कट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और 2 ब्रेड लिया है। तो हमें क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है और ब्रेड और लहसुन, मिर्ची, अदरक इन सब को बिना पानी डाले ही हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पाउडर जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए, और अभी मैंने इसमें 1 बूंद भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो हमें इसे सूखा ही पीसना है दरदरा। इसके बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और ले लिया है कुछ मसाले, यानी 1 चम्मच लिया है साबुत जीरा, आधी चम्मच लिया है काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च लिया है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो डालिए, हल्दी पाउडर ले लिया है आधी चम्मच, और ले लिया है धनिया पाउडर आधी चम्मच, और लिया है स्वाद अनुसार नमक, और लिया है मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल का, और लेंगे हम बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी कटोरी बेसन लिया है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और डाल लीजिए, नहीं तो इतना में ही पहले हम इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। तो जो मेथी होते हैं वो पानी छोड़ते हैं, इसलिए मैंने अभी तक इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हाथों को कर लिया है थोड़ा सा ग्रीस ऑयल लगाकर, और हम इसे कटलेट का शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से शेप दे दिया, कटलेट कह लीजिए, कबाब कह लीजिए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, स्नैक्स हैं तो जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो मैंने देखिए इस तरह से इसको एक कटलेट का रूप दे दिया है। इसी तरह से हम सारे मिश्रण के कटलेट को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। अभी हम करेंगे इसको सेलो फ्राई। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, और उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी सारे जो हमने कटलेट बना कर रखे हैं सबको अच्छे से इसमें मीडियम आंच में हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लेंगे। और कुछ कटलेट्स मैंने एयर फ्रायर में भी बनाए हैं, क्योंकि मैं ऑयल अभी नहीं खा रही हूँ, अपने डाइट में ऑयल बिल्कुल नहीं ले रही, इसके लिए मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर में भी अपने लिए कुछ कटलेट्स को बनाया है। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो हम इसे पलट लेंगे और ये आसानी से पलट जाता है, टूटता भी नहीं है, काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखिए जो हमारे कटलेट्स हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना।
तो चलिए हम इसे अब निकाल लेते हैं। तो हमारे यम्मी से कटलेट्स बनकर मेथी के बहुत जल्दी ही तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी और हेल्दी डिश है फ्रेंड्स। तो बनाकर ज़रूर खाइए और शेयर भी कीजिए। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, जो कि काफ़ी पसंद से खा लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जो बाकी के जो बचे हुए कटलेट्स थे उनको भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने इसको इस तरह से रखा है और आप यहाँ इसको धनिया की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ खाइए और मज़े लीजिए। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा यम्मी से कटलेट के लिए। तो इसको मैं अभी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।